यो भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि भाई लोग आप सभी लोग दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे और भाई मजे कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का दोस्तों गाइस यहाँ पर AK टेक्निकल पॉइंट की हमारी लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में दोस्तों। और जैसे कि आपने यार यहाँ पर पिछले एपिसोड में दोस्तों यहाँ पर देख लिया था कि ट्रैवल और भाई मैं यहाँ पर गए थे, हम यहाँ पर जो है माइकल का घर दोस्तों यहाँ पर बहुत खतरनाक तरीके से भाई डिस्ट्रॉय करके आए हैं। तो भाई ट्रेवर तेरे इस बारे में क्या कहना है, तुझे डर वर तो नहीं लग रहा? मुझे तो भाई कुछ भी नहीं डर लग रहा यार। भाई मेरा तो दिल घबरा रहा क्योंकि बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम किया हम लोगों ने। घबराने क्या बात है इसमें यार, जब तक मैं तेरे साथ हूँ इसमें घबराएगा क्यों मेरे भाई तू? नहीं जिमी का भी तो मैसेज आ गया था कि अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं यार। अरे भाई डर है जिम कर रहा है भाई, देख मैं तो डरता नहीं। आज तुझे गाड़ी की सैर कराऊं, जरा तुझे मैं अलग अलग चीजें दिखाता हूँ यार, इसमें बैठ आ जा। ठीक है बैठता हूँ। बैठ जा। आ गया भाई आ गया, आ जल्दी आ यार। तो पीछे को तो ले ले इसे थोड़ी सी, इसमें भी गोलियां हैं समझ गया। अच्छा हाँ, पर इसके स्पेशल चीज दिखाऊं तुझे क्या है? ये स्पेशल चीज दिखा भाई क्या है? अबे यार ये स्पेशल चीज कहाँ से दिखे हो वो भाई? वो तो है नहीं इसके अंदर, वो तो है नहीं इसके अंदर जो मैं सोच रहा था। क्या सोच रहा था भाई? यार मैं कुछ और चीज सोच के आया था यार ट्रेवर भाई। यार वो तो निकल गई। हाँ वो तो है नहीं इसमें, इसमें तो बस मिसाइल है, गोलियां भी हैं इसके अंदर। हाँ गोलियां ये देख देख रहा है भाई, मैं दिखा रहा हूँ तुझे करके समझ गया तू। अब ये बता ट्रेवर हमें करना क्या होगा? अच्छा अब तू उससे बचने का तरीका ढूंढ ले तू बस। भाई मुझे बचने बचने का तरीका भाई देख, मैंने घबराता नहीं देख मैं किसी भी, समझ गया तू। आ तू गाड़ी में बैठ। तो अभी तो दोस्तों यार मैं ना एक जगह जा रहा हूँ और जो बालाज है ना, बालाज मैं उनके पास जा रहा हूँ और मैं उनको जाकर ना यहाँ पर माइकल की सुपारी देकर आता हूँ। चलो अच्छा जी। हाँ मैं माइकल की सुपारी दूंगा ताकि वो लोग यहाँ पर माइकल को जो है खल्लास कर दे, समझ गया तू? अच्छा जी। हाँ देख तो ना कर, कम से कम मैं अपना सामने का हर चीज यहाँ पर तबाह करता चले जाऊंगा। तो भाई देख यहाँ कोई पुराना वुराना साथी नहीं रहता, बिजनेस में हर चीज चलती है, समझ गया तू? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई। देख मैं तो यहाँ डरता नहीं किसी से, और तेरा भाई तो यहाँ फुल तू बदमाशी चलती है तेरे भाई की, समझ गया तू? मैं तो यहाँ फुल चलूंगा। क्या मैंने सुना उसका भी यहाँ सिक्का चलता है? किसका? माइकल का। देख भाई उसका सिक्का चलता होगा, वो तो भाई सिक्का चलता होगा उसके घर से चलता होगा। देख भाई मैं तो सीधा यहाँ पर तबाह करूंगा सबको, मैं किसी की नहीं सुनता देख मेरे भाई, यहाँ पर साफ सीधी है बात, समझ गया तू? ठीक है भाई कोई बात नहीं, मैं भी तेरी साथ हूँ फिर, कोई बात नहीं। हाँ, बस तू ना देख घबराइए मत ठीक है ना। अबे यार ये क्या है, एक काम कर तू बस यहाँ पर क्या कर, जो बालाज का लीडर है ना उसको तू यहाँ पर मिलने के लिए बुला, एयरपोर्ट की साइड, हम एयरपोर्ट पे मिलेंगे उससे। चल ठीक है, कॉल करूँ जरा जल्दी से, कॉल कर लू करता हूँ। और दोस्तों हमारे पास वहाँ पर जाने के लिए कॉल करके वहाँ पर पहुँचने के लिए खुफिया रास्ता है, मैं जो रोड से नहीं जाऊँगा। ये देखो ओ भाई साहब। हाँ भाई उसका मैसेज आ गया मेरे पास, वो मिलने के लिए तैयार हो गया। तैयार हो गया लोकेशन? हाँ बिल्कुल। हाँ उसको लोकेशन भेज दे बस तू, हम सीधा कहते हैं हम एयरपोर्ट पर ही आ रहे हैं। और दोस्तों एयरपोर्ट पर जाने का हमारा ये तरीका आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आप सभी लोग देख पा रहे हो हम समुद्र की गहराइयों में से जो है सीधा वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर पहुँच कर सीधा हम उनके लीडर से जो है एक बार बातचीत दोस्तों जो है करते हैं, देखते हैं यार वो हमारा यहाँ पर काम कर पाएंगे। हाँ भाई बता दी थी यार हमें, आगे होंगे मेरे पास मैसेज भी आ गया उनका। चल वो लोग आ चुके हैं। चलो दोस्तों हम जो है सतह पर जाते हैं इस गाड़ी को लेकर। देख रहा है ट्रेवर हम सीधा मीटिंग भी कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ओ भाई भाई मेरा खुफिया एजेंट का फोन आया था, वो बोल रहा था तुम्हें माइकल है ना कुत्तों की तरह ढूंढता फिर रहा है। कहाँ है वो लोग? यहीं पे होंगे, देख उतरते हैं चल बाहर तो निकल ले पहले। एक तो ये गाड़ी जो है ना यार आगे कैसे जाएगी, एक तो रुक जा चल। हाँ चल 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 मेरी धनो, चल 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 मेरी धनो, चल चल चल। गाड़ी बनने में से टाइम लगता है भाई। वो खड़े हैं वो खड़े हैं सामने भाई वो लोग। उन लोगों से मैं बात करूँ तू बात करेगा, मैं ही कर लूँगा। है तू ही बात कर ले भाई। चल ठीक है भाई। तो दोस्तों यहाँ पर सामने जो है बालाज खड़े हैं, ये गुंडिया भाऊ खड़ा है सामने। और गुंडिया भाऊ क्या ले?
अरे मजे हैं अपने। तू बता भाई कैसे बुलाया आज तूने फोन करके हमको। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, और बता धंधा पानी सब कैसा चल रहा है? धंधा पानी तो अपना मस्त चल रहा है। चल रहा है? अच्छा, मुंबई छोड़ डाला यार तुम लोगों ने है पूरा। हाँ भाई पूरा मुंबई छोड़ के हम यही आ गए। अच्छा मेरी अपनी गैंग बना यार, नहीं रहा गैंग में। अच्छा मेरी बात सुन यार, तुम्हारा जो गैंग का बहुत दबदबा है इस शहर के अंदर मुझे पता है। माइकल डी सेंटा को तो तुम जानते ही होंगे, बहुत फेमस बंदा है। हाँ भाई उसको कोई नहीं जानता, उसको तो सारे जानते हैं, उसको तो बच्चा बच्चा जानता है। और अच्छा एक बात तो बता, माइकल की जो शहर है इसमें कितनी पावर है तेरे हिसाब से? बहुत पावर है भाई, शहर उसी के हिसाब से चल रहा है। अच्छा तुम्हें तुम लोगों से भी कभी पाला पड़ा है उसका? ना पाला पड़ा है, लेकिन भाई हम तो उससे थोड़ा बच के ही रहते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा डोन है। अच्छा उसकी शहर में है ना सारे मंत्री संतरी सब उसकी जेब में है। हाँ ये बात तो सही कह रहा है, सब उसकी जेब में है। अच्छा एक मुझे एक छोटा सा काम था तुम लोगों से, अगर तुम करते हो तो मैं तुम्हें उस काम की यहाँ पर पूरी की पूरी 50 पेटी दूंगा और 10 पेटी अभी एडवांस दूंगा, 40 पेटी काम हो जाने के बाद। बोल क्या बोलता है? ठीक है बताइए, काम बताओ तुम, काम बताओ। यहाँ पर माइकल डिसेंटा को टपकाने का है। अरे क्या बोल रहा भाई तू भाई? हाँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम है। माइकल डिसेंटा को टपकाने का है। अब तू बता, तू मेरा ये काम कर देगा या तेरे बस की बात नहीं है? भाई अपना काम तो हम कर देंगे, लेकिन हमें को 1 करोड़ चाहिएगा, 50 पेटी एडवांस और 50 पेटी बाद में। और मैं ये बात ये लीक नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये बात लीक नहीं होनी चाहिए वरना वो तो हमारे खानदान मिटा के रख देगा। अच्छा चल ठीक, हम हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हमारा पूरा खानदान वो मिटा के रख देगा। वो ऐसा बंदा है भैया, मैं 50 पेटी खतरनाक है वो। मैं 50 पेटी तुझे अभी देता हूँ। हमको चाहिए अभी एडवांस चाहिए। ठीक है रुक जा। ट्रेवर, ओ ट्रेवर, मेरी बात सुन। क्या कहते हैं, जो मेरा मैनेजर है उसे बोल 50 लाख अभी लाने के लिए इसी लोकेशन पर, लोकेशन भेज और 50 लाख कैश मंगवा जल्दी से, बहुत अर्जेंट काम आ गया, जल्दी कर जल्दी। चलो ठीक है मैं अभी फोन करता हूँ उनको। हाँ भाई मेरे बंदे ने जो है मेरे मैनेजर को फ़ोन कर दिया है, वो पैसे लेकर आ रहा है, तुम्हें पूरी 50 पेटी मिल जाएगी। पर मुझे ये बताओ ये जो काम है कितना टाइम लगेगा ये पूरा होने में? ये भाई इसको तो लगेंगे 2-3 दिन तो लगेंगे भाई। अच्छा और मुझे जो तुम यहाँ पर प्लान बनाओगे और जो भी तुम यहाँ पर चीज़ करने वाले हो मुझे एक एक पल पल की रिपोर्ट चाहिए, मैंने अभी तुम्हें बता दिया। ठीक है भाई ठीक है। हाँ कुछ भी काम मेरी मर्जी के बगैर नहीं होना चाहिए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पूरे हमें यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटे के बाद यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों हमारे घर से जो कैश लेकर आना, फिर हेलीकॉप्टर में मेरा जो मैनेजर दोस्त यहाँ पर पैसा वगैरह लेकर आया, तो उसमें पूरा का पूरा 1 घंटा यहाँ पर लग गया। बट दोस्तों सारी की सारी डील फाइनल हो चुकी है और पैसा यहाँ पर जो है आ गया है। हाँ तो भाई बता, गिन लिए ना तुमने सारे पैसे? सब सूटकेस देख लो। हाँ ठीक है हमने गिन लिए भाई, कोई बात नहीं। देख लो भाई अब तुम्हारी मन मर्जी के, मैंने मन मर्जी के मुताबिक, मेरी बात सुन मैंने मन मर्जी के मुताबिक पैसा दिया है। मैंने वादा भी किया है कि मैं इस बारे में यहाँ पर किसी को भी नहीं बताऊँगा। अब मेरा काम हो जाना चाहिए वरना मैं तुझे यहाँ पर एक चीज़ बोलता हूँ। ये देख रहा है ये मेरे हाथों में क्या है? हाँ भाई हमको मत दिखाए, ये मेरी बात सुन। वो ड्राइवर बंदा खड़ा है, ये है AWM स्नाइपर, अगर ये किसी की खोपड़ी से निकल जाए ना तो बेटा जी 2 छेद कर देती है, आम बंदूक 1 छेद करती है, 2 छेद करती है। अगर मेरा काम हो जाता है तो मैं तुम्हें और भी इनाम दे सकता हूँ, और अगर मेरा काम नहीं होता है तो माइकल तो तुम्हें मारेगा ही, माइकल से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं हम पूरी कोशिश करेंगे, वरना ये जो ये जो तुम्हारे पास, हाँ वरना ये जो तेरी खोपड़ी है ना इसको मैं ही खोलूंगा, समझ गया? पैसा तेरी मन मर्जी मुताबिक दिया, मेरा काम भी हो जाना चाहिए, समझ गया? ठीक है भाई ठीक है ठीक है चल ठीक है। अब इस डील के बाद माइकल क्या सीड लाकर देगा तो तुझे 50 पेटी मिल जाएगी, वरना अपनी मौत का इंतजार करना। अब यहाँ पर ये सोच लेना एक सपना था, ना मैं तुझे कभी मिला ना तू मुझे कभी, ठीक है? ठीक है ब्रो ठीक है, चल डन आ जा ड्राइवर, हो गई डील डन। तो गाइस मैंने यहाँ पर जो है बात कर ली, जैसे कि आप सभी लोगों ने देख लिया था, एक सुपारी तो देनी थी यहाँ पर बालास को, एक फेमस गैंग है लॉस सैंटोस का।
ये भाई कर भी देगा काम या नहीं? देख यार मुझे तो ड्राइवर देख लगता है ये जो है काम कर ही देंगे, बाकी तू बता तेरे इस बारे में क्या कहना है, कर सकते हैं ये लोग या नहीं? मुझे तो लगता नहीं भाई, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है माइकल। अबे कर देंगे यार कर देंगे, तू फालतू में घबरा रहा है अभी ना, तू तो बच्चा समझ रहा है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। हाँ बोल। वो है ना इस टाइम बस खून का सुर हो रहा होगा, तुझे ढूंढता फिर रहा है, समझ गया? मुझे बेटा शहर में ढूंढ रहा है, मुझे बेटा वो ढूंढ नहीं सकता, मुझको भी ढूंढ रहा है, दोनों को ढूंढता फिर रहा है। तेरे बारे में उसे कैसे पता चला ड्राइवर, ये तो सोच तू। पता चल गया, जिमी ने बताया था उसको भाई, जिमी ने बताया, वो भी उसकी साथ। अच्छा एक काम कर फिर, तो बताओ यहाँ पर क्या कर, वो जो तेरा एक दोस्त है ना हैकर है जो, उसको बुला और बुलाने के बाद घर पर बुला और माइकल के घर पर जो कैमराज लगे हुए हैं ना उनको हैक करवा। हम ये देखना चाहते हैं कि माइकल के घर में इस टाइम क्या बातचीत हो रही है। वो इतनी जल्दी भाई, उसने तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगा रखी है, अब नहीं हैक कर पाएगा। अरे हैक कर लेगा यार, वो सीसीटीवी कैमराज ही तो हैं। चल ठीक है मैं कॉल करता हूँ तो उसको, फोन करके बुला और कह दे कि यहाँ पर जो है फ्रैंकलिन का काम है और मुंह मांगी कीमत तेरे को यहाँ पर देने के लिए तैयार है वो। ठीक है समझ गया, समझ गया मैं, समझ। हाँ चल बढ़िया, तो चलिए दोस्तों अभी हम जो घर चलते हैं और घर चलने के बाद एक ऐसा सेटअप करते हैं, या बेसिकली यार घर जाने की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, हम सीधा उसकी लोकेशन पर ही चलते हैं। यार ट्रेवर, ट्रेवर हाँ बता, मेरी बात सुन, घर पे नहीं बुलाना यार, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कभी माइकल उसको बाद में पकड़ ले और वो हमारे घर का भी यहाँ पर पता बता दे, तो सीधा उसकी लोकेशन मांगो, हम सीधा उसकी बंदे की लोकेशन पर ही चलते हैं। ठीक है जल्दी मंगवा। तो दोस्तों हम सीधा उस बंदे की यहाँ पर लोकेशन पर ही चलते हैं और वहीं पर जाकर पता चलेगा आई मीन ये क्या। राइट गाइस, तो उस बंदे ने हमें जो है यहीं की लोकेशन दी है और यहीं किसी घर के बेसमेंट में भाई वो बंदा जो है काम करता है। भाई ट्रेवर किधर है यार, वो पुराना घर हुआ करता था। और राइट, तो यहीं कोई घर है, उस घर के बेसमेंट में। चलिए कोई बात नहीं, जहाँ पर कोई रहता ना हो, रहता ना हो। ट्रेवर जोन सा भी घर ऐसा दिखेगा ना वहीं पर रुकवा लियो। ठीक है मैं खुद देखकर चल रहा हूँ। तो दोस्तों अभी तो हम यहाँ पर जो है देख रहे हैं, हम जो बैक साइड आ चुके हैं, ये रहा हैकर ने हमारे आते खोल दिया नहीं क्या, वरना दूसरे की कैसे सेंसर से खुलता है। कार कहाँ खड़ी भाई, कार तो खड़ी नहीं, गलत बताया, सिग्नल था। चल बेसमेंट में, तो हम यहाँ पर जो बेसमेंट में आ चुके हैं। ओ भाई यार ट्रेवर, इसने क्या बना रखा है नीचे, है बहुत ज्यादा खतरनाक बना रखा भाई इसने तो। भाई साहब पता नहीं क्या है। ओके तो यहाँ पर जो वॉशरूम भी इसने भाई बना रखा है जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। उसने बताया था सीधे आ जाना बेसमेंट में। आ जा भाई जल्दी आ जाओ नीचे। आ रहा हूँ भाई साहब, कितना तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। डेंजरस इसने यहाँ पर बेसमेंट दोस्तों जो बना रखा है बंदे ने। ओके ओ माय गॉड, कितना ज्यादा मस्त है। और ये देख लो यहाँ पर खड़ा है। हेलो भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई बढ़िया, आ गया। हाँ और बता, हैकिंग वैकिंग सब कैसा चल रहा है, सब क्या चल रहा है मेरे भाई? ये जबरदस्त सीन है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए आपको क्या काम है, बताइए। मेरी बात सुन, तू यहाँ पर जानता है ना माइकल डिसेंटा को? ना जानता हूँ उनको, कोई जानता हूँ भाई। अच्छा नहीं क्या, उसको कोई नहीं? ऐसा कौन सा बंदा है जो नहीं जानता? वो तो बहुत फेमस हस्ती है भाई। बात सुन, बहुत फेमस हस्ती है। अब तुझे पता है वहाँ पर जो किस कंपनी की सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं वहाँ पर? आप पता है मुझको, मैंने ही लगाए थे, मेरे ही कोई दोस्त था, मैंने लगवा के दिए थे उन लोगों को। कोई जुगाड़ हो सकता है। देख मैं तुझे यहाँ पर तेरी मुंह मांगी कीमत देने वाला हूँ, जो भी तेरा यहाँ पर रेट होगा तो मुझे बता दे, जितने में भी तू बिकने के लिए तैयार है, मेरे पास पैसा बहुत है। ठीक है ना, बस यहाँ पर एक चीज़ मुझे यहाँ पर जाननी है कि माइकल के इस टाइम उसके घर पर रियल टाइम में क्या हो रहा है, सीसीटीवी कैमराज की फुटेज और उसका घर में जो चीज़ हो रही है ना उसकी वॉइस मुझे आनी चाहिए, और मैं यहाँ पढ़नी मैं अपने फोन पर देख पाऊँ, कुछ ऐसा सिस्टम कर। ठीक है मैं करता हूँ, लेकिन यार इस बात का है ना बस पता नहीं चलना चाहिए, वरना पता है तुझे मेरा बेसमेंट एक बम से उड़ा देगा वो, तुझे पता है कितना खतरनाक आदमी है। मुझे पता है, देख बहुत खतरनाक आदमी है, मेरी बिल्कुल भी उससे नहीं फटती है। ठीक है तेरी फटती है तो वो तेरी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, बट जितना मैं कहता हूँ उतना कर। बोल ठीक है कोई बात नहीं।
हाँ जल्दी कर, कितना टाइम लगने वाला है इस बारे में? बस 5 मिनट रुको आप। जल्दी कर। तो गाइज यार यहाँ पर देख लो इस बंदे ने भाई सब क्या कर रखा है। चलिए मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ फिलहाल, तो ट्रेवर तो यार ऊपर है। ऑलराइट क्या बात है, कोल्ड ड्रिंक पीने का यार दोस्तों मज़ा बहुत आता है। जो बात है क्या बात है, मज़ा आ गया। और भी इसने बंदे ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैकिंग का वो कर रखा है। ड्रोन भी है दोस्तों इसके पास, ये ड्रोन से भी वो सब कुछ यहाँ पर जो है कर सकता है। तो भाई साहब भयंकर है, शायद इसने जो है कर दिया होगा। भाई फुटेज आई क्या कुछ ब्रो? फुटेज आई है, रुक जाओ अभी 5 मिनट रुको, बस 5 मिनट कर ही रहा हूँ तुम्हारा। मुझे बिल्कुल रियल टाइम में देखना है, और पुरानी भी जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग हुई भी होगी ना मुझे वो भी देखनी है, समझ गया? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जल्दी करते हैं। तो गाइस इससे मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर माइकल के घर में इस टाइम क्या हो रहा है, ठीक है ना? तो माइकल के घर में जो भी यहाँ पर हो रहा होगा तो हम देख पाएंगे, ताकि हम उससे एक कदम आगे रहें, ठीक है ना? चलिए एक बार ये देख लेता है उसके बाद। राइट गाइस, तो यहाँ पर जो है आधा घंटा हो गया इस भाई ने बोला था, भाई अब कर दिया क्या तूने? हाँ चेक करो, आप अपना फोन चेक करो एक बार। तो चलो दोस्तों यहाँ पर इस मैंने आपको एक लिंक शेयर किया है, उस पर आप खोलो, ठीक है? चलो तो सीधा आप उनकी लोकेशन पे पहुंच जाओगे, www.tracking। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पूरी की पूरी हैकिंग हो रही है, ये करते हैं और देखते हैं दोस्तों वहाँ पर क्या फुटेज के अंदर। दोस्तों जी पापा जी क्या सोचा, मेरी सूरत बिगाड़ के चला गया वो माइकल, मेरे घर उजाड़ के चला गया, घर में आग लगा के चला गया। तुम सिगरेटी पीते रहना यार। जिम्मी बेटे तू घबरा मत, उसे ऐसी मौत दूंगा उसने कभी सोची भी नहीं होगी, उसके ख्वाब में भी कभी ऐसी मौत नहीं आई होगी, उसे ऐसी मौत दूंगा। और उसके साथ क्या वो ट्रेवर भी था? ट्रेवर भी था और बहुत मजे ले रहा था दोनों, है ना? मुझे इतना पीटा, बहुत ज्यादा पीटा। और हमें ना उसकी है ना वो जो नताशा, उसे यही बंदी बना के रखना, हमने उसे यही बर्तन धुलवाने, उससे यही बर्तन धुलवाने। तू टेंशन ना ले जिम्मी, मैं उसका वो हाल करूंगा कि उसकी रूह भी कांप जाएगी। ये देख हथियार वगैरह मैंने सब मंगा लिए हैं, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। अब बात ठीक है पापा जी, हमारी मोहल्ले में थू थू हो रही सारे में बोल रहे भाई, ये तो ये इतना बनते थे मंत्री से जान पहचान है हमारी, इससे जान पहचान है, पर इनका घर जला के चला गया एक आम आदमी, ये क्या हो गया मेरे पापा? तू टेंशन ना ले बेटा, मैं यहाँ था नहीं, मैं बाहर गया हुआ था बिजनेस के सिलसिले में, जो ये कांड हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सब देख लिया है सीसीटीवी कैमरे में, उसने क्या क्या किया है, मैं उसका वो हाल करूंगा कि देखने वाले देखेंगे, पूरा शहर को जला के राख कर दूंगा मैं। हाँ मेरे पापा, मुझे तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए तो मैंने कहा था मेरे पापा को आने दो, वो तो आग शहर में आग लगा देगा मेरा पापा। तहलका मचा दूंगा पूरे शहर में, तहलका जला के रख दूंगा पूरे शहर को जला के। हम उन दोनों को है ना आग के रोज उसे जला कर राख कर देंगे दोनों को। तू घबरा मत बेटा, नाश सर्वनाश कर दूंगा, ऐसी जंग तूने कभी देखी नहीं होगी जो आज से शुरू होगी जंग। तू जा, बिल्कुल सही बात है, मैं भी डॉक्टर के पास जाता हूँ, अपनी पट्टी वट्टी कराता हूँ सही, और तू बिल्कुल तैयारी करो मेरे पापा। हाँ जा, तू अपनी मम्मी के साथ डॉक्टर के जा, मैं तैयारी कर रहा हूँ बस, अब तू देख क्या होता है शहर में कैसी आग लगती है। फाइनली यार मैंने उनकी सारी की सारी बातें तो सुन ली है, और सुनने के बाद तो खैर यही लगा कि वो बहुत कुछ बड़ा यहाँ पर प्लान करने वाले हैं, बट अभी देखा जाएगा जो भी होगा। बाकी थैंक यू सो मच ब्रदर, तेरा बहुत बहुत एहसान है मेरे ऊपर, ठीक है? बाकी मैं इस बारे में किसी को बताऊंगा नहीं। कोई बात नहीं भाई, आप मुझको है ना एक $50,000 जरा सेंड कर दो मेरे अकाउंट में। हाँ चलो एहसान की कोई बात नहीं, ठीक है मैं कर दूंगा, ठीक है ब्रो? ये मेरा काम था, मैंने अपने पैसे के लिए बात किया, काम किया है। हाँ हाँ ठीक है, वो जल्दी से जल्दी मेरे पास मैसेज आ जाना चाहिए, जल्द से जल्द। हाँ आ जाएगा, ओके ब्रो। तो गाइस यार हमने तो ये जो चीज़ है, नताशा को उन्होंने घर पे ही बंदी बनाकर रख रखा है, ठीक है ना? और मतलब कितने ज़्यादा वो, खैर दोस्तों अब मैं जो है बार बार उनकी फुटेज चेक करता रहूँगा वो कर क्या रहे हैं, ठीक है ना? तो उससे पता लगता रहेगा। चलो अभी तो पहले तो फिलहाल मैं इस वाली लोकेशन से यहाँ से जो निकलता हूँ। ट्रेवर कहाँ है? अच्छा भाई ट्रेवर यहाँ क्या कर रहा है यार, तू ऊपर नहीं आया? आजा तुझे बताऊं, मैं यहीं पे खड़ा था, कोई बात आजा तुझे बताता हूं वहां पर ज्यादा, देख चल क्या रहा है वो तो सुन ले जरा मेरे भाई, तू आजा बाहर आ। क्या चल रहा है बता बता। बैठ, चलो ठीक है बैठ जा यार। ट्रेवर यार बताऊं क्या है,
वहां पर नताशा को तो उन लोगों ने बंदी बना रखा है, ठीक है ना? अच्छा जी, जिमी बना लिया। हाँ, जिमी को जो कल हमने मारा ना, चोट बहुत आई है, उसके चेहरे से दिख रहा था, पर जिंदा है यार, बच गया वो। अच्छा, बच गया वो। हाँ, मैं सोच रहा था मर जाएगा, पर वो मरा नहीं। क्या कह रहा है? उसका तो कल ही मैसेज आ गया था कि जिंदा हूँ मैं, बदला लूंगा। कल आया था मैसेज, हाँ। पढ़ के बता रहा था मुझे उसका जिमी का मैसेज आ गया, बहुत गुस्से में है वो। सही कह रहा है तू, बच गया यार, वो मर जाना चाहिए था कल उसे। कहाँ मरने वाला है भाई, वो बहुत खतरनाक बच्चा है वो। सही कह रहा है यार तू, अब मेरी बात सुन यार, जिंदगी नरक बनाएगा वो। मेरी बात तो सुन, तो उन्होंने नताशा को तो यहाँ पर देख बंदी बना रखा है, ठीक है ना? और वो कह रहा है कि वो माइकल जो उसको कह रहा है कि मैं ऐसा बदला लूंगा, उसे मौत के घाट उतार दूंगा, ठीक है ना? पर मुझे अभी ना बातें से तो थोड़ा ठंडा ही मामला लग रहा है, कुछ ज्यादा वो नहीं लग रहा, ठीक है, जैसे उन्होंने सीरियसली ज्यादा लिया हो। बाकी यार नताशा जी भी उनकी चक्करों में, अब ये बता तो मुझे आगे क्या करना है हमें। चलते हैं फिर नताशा को छुड़वा के लेके आते हैं, तू बता। अबे नताशा को कैसे छुड़वा लेगा तू, घर पे उन्होंने बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी करा ली है मेरे भाई। अच्छा, हाँ तो भाई उसको फोन वोन कर, नताशा का फोन मिल रहा है या नहीं? नताशा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है ब्रो। अच्छा, तो भाई अब तो फिर हमें थोड़ा इंतजार ही करना पड़ेगा। अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा जब तक बालाज गैंग अपना काम नहीं कर लेती है कल तक, है ना? क्योंकि उनको भी हमने पीछे लगा दिया उनके। हाँ, ताकि हमें यहाँ पर उनके जो है पल पल की खबर जो है मिलती रहेगी। तू बता इस बारे में तेरा क्या कहना है? हाँ, मेरा भी यही कहना है कि 2-3 दिन देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ, है कि नहीं? हाँ, तो गाइस, हाँ, तो हम भी हमला नहीं बोल सकते। हाँ, अगर हमने हमला बोल दिया और फिर एकदम कुछ हो गया और उनकी तैयारी हमारी तैयारी से ज्यादा ही, तो भाई हमारी तो बैंड बच जाएगी, समझ रहा है तू? बिल्कुल भाई, मैं तो समझ ही रहा हूँ। इस बारे में है कि नहीं, तूने पैसा बहुत खर्च कर दिया। मैंने पैसा बहुत खर्च कर दिया इस चीज के ऊपर, बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया मैंने, समझ रहा है तू? पर मुझे मारना ही मारना है, चाहे कुछ भी हो जाए, समझ गया? हाँ भाई, देखते हैं वो तुझे मार पाता है या तू उसको मार पाता है, तो वक्त बताएगा। देख लेना, मैं ही मारूंगा, टेंशन मत ले तू। बाकी दोस्तों, आप प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर से बताइएगा आपको इस सीरीज के अंदर यहाँ पर कितना मजा आ रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या लगता है मुझे यहाँ पर कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे कि मैं माइकल को यहाँ पर ज्यादा नुकसान और हार्म पहुंचा सकता हूँ, और उस जिमी के बच्चे को भी, ठीक है ना? बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा उसको कर दीजिए लाइक, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करके जोर से बताइएगा। बाकी हम सभी मिलते हैं आपसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।